हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज मेरे साथ मौजूद हैं राहुल। राहुल मेरे साथ काम भी करते हैं और मेरे दोस्त भी हैं। और राहुल VFS में कई सालों तक काम कर चुके हैं और राहुल इनफैक्ट मुझे हेल्प करते हैं जब भी हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। जो भी पेपर वर्क होता है उसका ध्यान राहुल रखते हैं। राहुल का यूट्यूब चैनल भी है। राहुल, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? देखिए सर, सब कुछ बता चुके हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो राहुल शेरा व्लॉग्स के नाम से है। इस पर मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस और वीज़ा में क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या चीज़ें आपको फिल करनी होती है, तो उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। और सर से मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले इनका मैंने पेज देखा था वीज़ा हेल्पलाइन करके, तो मैंने चेक किया था। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है। और फिर उसके बाद हमने मीटिंग भी की थी। और पहले जुड़ने से पहले मेरे काफ़ी कंफ्यूजन था कि सर के साथ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पहले कभी मिला भी नहीं था। तो जब इनसे मिला, मुलाकात हुई, फिर मैंने एक दो बार इनसे फाइल का काम करवाया, तो काफ़ी मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर हम 2019 से लेके अभी तक हम काफ़ी सारे वीज़ा में हम काम कर चुके हैं साथ में। हाँ, और कई बार हमें सफलता मिली है, कई बार हाँ असफलता भी मिलती है। लोगों के हाँ वीज़ा भी रिजेक्ट होते हैं, बट वो खैर हमारे बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन राहुल के साथ अच्छी बात यह है कि इन्होंने VFS में काम किया है, और जनरली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फॉर्म्स भर सकूं। जैसे आपकी आइटिनरी बनाना है, एयर टिकट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, वो सब राहुल देखते हैं। तो राहुल, अब जैसे हम इस समय बहुत सारे मतलब क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब क्षेत्रों की बात अलग अलग कंट्रीज के वीजा में, तो आप बताएंगे आप किन किन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं? देखिए, इनिशियली जब मैंने VFS में काम किया था तो मैं वहाँ पर शेंगन फ्रांस मिशन में था, तो ज़्यादातर फ्रांस को ही जानता था। वहाँ पर मैंने एज अ ऑडिटर भी काम किया, लोगों की गलतियाँ बताता था। फिर उसके बाद जब मैंने VFS क्विट किया, उसके बाद मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की VPS ग्लोबल के नाम से। तो ये आप फेसबुक पर पेज भी आप सर्च कर सकते हैं। इस पर लगभग अभी 600 करीबन फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। और उसके बाद से मैंने इस पर रिसर्च किया, US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंगेन की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में हम अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं। इवन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इसमें हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट को। तो राहुल, एक चीज़ बताइए आप, अब जनरली होता क्या है, कई क्लाइंट बड़े अच्छे होते हैं, कई क्लाइंट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है क्लाइंट्स के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो न्यू होते हैं और उनकी वो वरीड होते हैं कि उनका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, ये गलती हो जाएगी तो हो सकता है वीज़ा ना लगे। तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, उनके सारे सवालों का जवाब हम उनको देते हैं और उनको हर टाइम हमें अवेलेबल होना पड़ता है। कि कस्टमर कभी भी कॉल कर सकता है, 11 बजे भी कॉल करता है कि सर ये मिसिंग है, इसके लिए हेल्प कीजिए, और या फिर मॉर्निंग 5 बजे भी कॉल कर देता है। तो हमें हमेशा रेडी होना होता है, क्योंकि हम कस्टमर किसी भी कंडीशन में लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये गुडविल बना रखी है। तो इसलिए हमारे पास काफ़ी रेफरेंस से केसेस आ जाते हैं। अच्छा राहुल, एक और चीज़ बताएंगे, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो VFS है वो ही वीज़ा देता है, आप इस बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? हाँ, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। जब हम VFS ग्लोबल में काम करते थे तो क्या होता था कि लोग कोट पैंट पहन कर आ जाते थे। वो सोचते थे कि ना कि ये जो पर्सन है ये इंटरव्यू लेगा बायोमेट्रिक के अंदर, तो वो सर सर करके कि इतने घबराए हुए होते थे कि हम क्या सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, उनको हम बोलते थे कि सर आप अपने फिंगरप्रिंट दे दीजिए, कि अपने सीट आप चेयर को पीछे कीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, वो क्या करते थे, उल्टे बैठ जाते थे। तो वो इतने घबराए हुए होते थे। तो वीज़ा के लिए देखो, VFS का इतना रोल है कि वो आपका एक थर्ड पार्टी है, वो आप एम्बेसी के बिहाफ पर फाइल सबमिट करती है, उसका डिसीजन में कोई हाथ नहीं होता। आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, तो ये डिसीजन में कोई रोल नहीं होता है VFS ग्लोबल का। वो एक आपकी फाइल सबमिट किया और एम्बेसी को वो फॉरवर्ड कर देते हैं, डिसीजन ओनली एंड ओनली एम्बेसी का होता है। तो बेसिकली देखिए ऐसा है, अब
राहुल के साथ काम करते हुए मेरा एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी हम बहुत ज़्यादा यूएस, कनाडा और यूके के वीज़ा नहीं कर रहे, लेकिन वो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको वो भी करना हो तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा मेन फोकस इस समय वर्क परमिट पे है, हंगेरी के, पोलैंड के, और स्टडी पे है, और उसमें भी राहुल हमारे साथ काम कर रहे हैं, है ना राहुल? हम काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस, अभी हम कनाडा पीआर पर भी जल्दी काम करने वाले हैं, जिसमें हम उनको एक चीप कॉस्ट के अंदर उनको बेटर सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे जल्दी। क्योंकि कनाडा कनाडा पीआर के लिए आप मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, तो हम उसको नॉमिनल चार्जेस में लेकर आ रहे हैं और जल्दी ये सर्विसेज भी हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली देखिए ऐसा है राहुल, अब आप तो बहुत सारी कंट्रीज में करते हैं और हमारा मेन फोकस यूरोप में है, क्योंकि मेरा मानना है कि कनाडा में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं। तो मेरा ये था कि हम ऐसी मार्केट्स में जाएं जहाँ पे मैं खुद रह चुका हूँ, मतलब मैं हंगेरी रह चुका हूँ, पोलैंड कई बार गया हूँ, तो इसलिए हमारा फोकस यहाँ पे रहता है। तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो यूरोप में वर्क वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि देखिए मेरे पास जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। अपने जो VFS फ्रेंड्स हैं, अभी तक मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं वहाँ पर VFS ग्लोबल के अंदर। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले मेरे को अपडेट्स मिल जाते हैं और वो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से या फिर फेसबुक के पेज के माध्यम से मैं आप तक लेकर आता हूँ। तो एक अच्छी सर्विसेज हम जब देते हैं तो सीधी बात है क्लाइंट कहीं से भी आता है। अब मेरे पास ऑल ओवर इंडिया क्लाइंट आता है, और जब हमने काम स्टार्ट किया था तो पता नहीं था कि कैसे काम स्टार्ट करेंगे और कैसे काम बढ़ेगा। पर ये होता है कि आपके ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, आप अच्छा काम करते हैं तो आपका काम चल पड़ता है। वैसे ही मैंने चंद्रशेखर सर के साथ काम किया था और कई बार हो सकता है नेगेटिव भी काम हुआ, पर सर का ट्रस्ट था कि ये बंदा ठीक करेगा मेरे लिए, और फिर मैंने वो ट्रस्ट लूज़ नहीं किया। और आज आज के टाइम पर चंद्रशेखर सर काफ़ी एप्लीकेशन हमें दे देते हैं और उसके लिए मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा। हाँ, बेसिकली क्या है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे साथ काम करना बड़ा आसान है और तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मतलब हमारे लिए चीज़ें आसान रहती हैं। इनफैक्ट देखिए, ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई मुझे काम देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारा काम मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, अब जैसे राहुल हमारे साथ काम करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं फ्यूचर में इंटरव्यू करूंगा, उनका उनको आपसे मिलवाऊंगा, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे पार्टनर्स हैं या एसोसिएट हैं। मैं एक और चीज़ कहूंगा कि आप राहुल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और मैं उसका लिंक इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइव भी करता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।